जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना GST R1 और 3B दोनों आप फिल कर सकते हैं। बहुत नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना GST रिटर्न नील कैसे फाइल कर सकते हैं। नील रिटर्न यदि आपको फाइल करना है तो आपके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपको GST की जो ऑफिशियल वेबसाइट है GST.gov.in पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इनका होम पेज ऐसा दिखेगा। यहाँ पर बगल पे आपको लॉगिन का बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कैप्चा भरने को बोला जाएगा। इसको आप भर दीजिए। जैसे मैंने कैप्चा भर दिया, लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन होने के बाद आप अपना जो GST का पोर्टल है उसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिटर्न है वो मई के महीने तक भरा हुआ है, हमें जून का रिटर्न फाइल करना है। तो सबसे पहले हमको GST रिटर्न R15 करना होगा। तो R1 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, नीचे रिटर्न डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर आएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद आपको क्वार्टर मिलेगा। यहाँ पर अपना क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि अभी हमें जून का रिटर्न फाइल करना है तो हमने ये वाला अप्रैल से जून तक का क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप जून सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, और सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो वहाँ आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमको GST R1 फाइल करना है, और तो हम इसको फाइल करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पर, GST R1 हम फाइल करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार का डेटा जीरो है। जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो यहाँ पर जीरो दिख रही है। जीरो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो जीरो है, किसी प्रकार का कोई डेटा हमने नहीं इसमें भरा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेटस अभी दिख रहा होगा, नॉट फिल्ड, ठीक है, यहाँ पर नॉट फिल्ड दिख रहा है। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट समरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने एक मैसेज आ गया है, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर लिखा भी है कि आप रिफ्रेश कर दें ताकि आप अपना डेटा और वो स्टेटस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बटन बना हुआ है रिफ्रेश का, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर स्टेटस चेंज हो चुका है। अब लिखा हुआ है रेडी टू फाइल, यानी ये फाइल होने के लिए तैयार है। हमको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे बटन प्रोसीड टू फाइल समरी, इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी यहाँ पर जो समरी है वो पूरी जीरो दिख रही है क्योंकि हमने वहाँ पर कोई डेटा फिल नहीं किया है, बिकॉज ये हमारा निल रिटर्न फाइल है। तो ये सारी जीरो है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको दिखेगा फाइल स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको इस पर क्लिक कर देना है ताकि आपका जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है वो आपको शो होने लगेगा। तो यहां पर मेरा नाम है सैलन सिंह, यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, फाइल विथ DSC एंड फाइल विथ EVC। तो आप किसी भी ऑप्शन से इसको फिल कर सकते हैं। मैं फाइल करने वाला हूँ EVC वाले ऑप्शन से, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका GST में मोबाइल नंबर डला होगा उस पर आपका मैसेज जाएगा, ईमेल आईडी डली होगी उस पर भी मैसेज जाएगा देखना है, और जो आपका OTP आया होगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपना OTP डाल देता हूँ, आप भी अपना डाल देना। इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये देखिए वेरीफाई हो चुका है, ये लिख के आ गया है
आपका जो भी जीएसटी R1 का रिटर्न था वो हो चुका है फिल, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए फिल्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको जीएसटी रिटर्न R1 फाइल करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आप 3B कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद, तो यहाँ पर वापस आने के बाद आप डैशबोर्ड देखेंगे, तो यहाँ देखिए जून का जो R1 है वो फाइल हो चुका है। अब हमको करना है 3B फाइल, R3B फाइल करना है। तो फिर से हम वापस से रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद वापस से आपको वही सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, और जो पीरियड है जैसे अभी हम लोग भर रहे थे जून का, तो जून का सेलेक्ट कर लेना पीरियड। सर्च पे आप जाएंगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आना है 3B पे। 3B पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका नील रिटर्न है या नहीं है। तो आपका नील रिटर्न है तो आप एस पर क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप। तो इस प्रकार से आपको एक समरी दिखेगी, उसको आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी दिखने लगेगा, आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होंगे उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा वहाँ पर हमने फाइल विथ EBC किया था और यहाँ पर भी वैसे ही ऑप्शन है, तो हम फाइल विथ EBC कर देंगे। करने के बाद फिर से एक बार आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP आया होगा, उसको आपको एक बार फिर से यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, आप भी अपना डाल देना इसमें। इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका ये फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना GST R1 और 3B दोनों आप फिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप के साथ। क्योंकि आपको पता है कि GST का जो पोर्टल है उस पे बार अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से GST का पोर्टल बहुत आसान कर दिया उन लोगों ने, आपको बहुत आसान लगेगा भरना, ठीक है। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।